दोस्तों आज है संडे, आज है बिग्री करंट अफेयर्स की क्लास। इस देश में इस हफ्ते कौन सी घटना हुई और कौन किस पद पर नियुक्त हुआ, इस देश ने कितने देशों के साथ समझौते किए और इस हफ्ते कितने निधन हुए और वो किस चीज़ से रिलेटेड थे, तो सारा कुछ इस वीडियो में कवर किया गया है, जिसमें 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर किया गया है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष तक यूरिया सब्सिडी योजना का जारी रखने को मंजूरी दी है, तो आंसर है आपका 2020। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2020 तक यूरिया सब्सिडी योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फीफा द्वारा 15 मार्च 2018 को जारी रैंकिंग में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ वो क्या है, वो है आपका 99वां, और 2017 में जो स्थान था दोस्तों आपका 100वां स्थान था, एक स्थान खिसककर 99वें स्थान पर आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हाल ही में वैज्ञानिकों ने क्लोन प्रौद्योगिकी द्वारा पहली बार इस नस्ल की भैंस के बच्चे का जन्म कराने में सफलता का दावा किया है, आंसर है आपका असमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत को विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचनांक की 114 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला, आंसर है आपका 78वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विधानसभा ने 15 मार्च 2018 को सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया जिसके तहत 12 साल या उससे कम की उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के अभियुक्तों को मृत्युदंड का प्रावधान है, आंसर है आपका हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2018 सर्वे में विश्व के सबसे सस्ते शहरों की सूची में पहले स्थान पर है आपका दमिश्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पटियाला की एक अदालत ने 2003 में गैरकानूनी तरीके से लोगों को विदेश भेजने के मामले में गायक दलेर मेहंदी को कितने साल की सज़ा सुनाई, आंसर है आपका 2 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह देश जिसने हाल ही में 19 रूसी व्यक्तियों तथा 5 रूसी संगठनों पर रोक लगाई, आंसर है आपका अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जिसने हाल ही में किस विवाह नियमन विधेयक पारित कर दिया, आंसर है आपका पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसने भारत में लगाई गई GST व्यवस्था को विश्व की सबसे जटिल टैक्स व्यवस्थाओं में से एक बताया, आंसर है आपका विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विजडन के इन्हें वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया, आंसर है आपका KL राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस देश में विश्व महासागर शिखर सम्मेलन 2018 संपन्न हुआ उस देश का नाम क्या है, आंसर है आपका मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस नेता को लगातार चौथी बार जर्मनी का चांसलर बनने का अवसर प्राप्त हुआ, आंसर है आपका एंजेला मार्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किस राज्य में NTPC ने 800 मेगावाट के कुडगी सुपर थर्मल पावर प्लांट की तीसरी इकाई को चालू किया, आंसर है आपका कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु किस संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, आंसर है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, रेटिंग एजेंसी फिच ने वित्त वर्ष 2018 से 19 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 7.3% और 2019 से 20 के लिए कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया, आंसर है आपका 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश के मंत्रिमंडल ने अपने परमाणु कार्यक्रम की राष्ट्रीय नीति को मंजूरी दी, आंसर है आपका सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस देश की विश्व हिंदी सचिवालय इमारत का उद्घाटन किया, आंसर है आपका मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व बैंक के अनुसार सर्वाधिक GST दर के मामले में 115 देशों में भारत किस स्थान पर है, आंसर है आपका दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विमान कंपनी का ट्विटर अकाउंट हाल ही में हैक कर लिया गया, आंसर है आपका एयर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिका के उस राज्य का नाम जहां मृत्युदंड के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाएगा, आंसर है आपका ओक्लाहोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र की इकाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN द्वारा प्रकाशित ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018 में भारत का जो स्थान हुआ वो है आपका 133वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने हाल ही में रूस के 23 राजनयिकों को निष्कासित करने का निर्णय लिया, आंसर है आपका ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल फरवरी तक किस देश के सेना ने 134 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, आंसर है आपका पाकिस्तानी सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेक्स टिलरसन को हाल ही में विदेश मंत्री पद से हटाकर उनके स्थान पर किसे नियुक्त किया, आंसर है आपका माइक पोम्पियो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 31 दिसंबर को समाप्त तिमाही का परिणाम घोषित करने में असफल रहने को लेकर कितने कंपनियों पर जुर्माना लगाया। आंसर है आपका 24 कंपनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रन एंड स्पोर्ट्स ने किस विश्व शतरंज चैंपियन को अपना खेल विशेषक और ब्रांड दूत नियुक्त किया। आंसर है आपका विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लंदन के बाद किस शहर में स्थित मैडम तुसाद म्यूजियम में भी अभिनेता शाहरुख खान का मोम का पुतला लगाया जाएगा। आंसर है आपका दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने 13 मार्च 2018 को बताया कि सरकारी कॉलेजों में अगले सत्र से छात्रों के लिए यूनिफॉर्म लागू करने संबंधी आदेश को वापस ले लिया गया है। आंसर है आपका राजस्थान सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इन्हें हाल ही में CIA प्रमुख के पद हेतु चयनित किया गया। आंसर है आपका जीना हॉस्पेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसने टीबी उन्मूलन शिखर सम्मेलन दी दिल्ली एंड टीबी समिट का उद्घाटन किया। आंसर है आपका नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में सबक लेते हुए RBI ने हाल ही में इस बैंक सुविधा पर रोक लगाने की घोषणा की। आंसर है आपका LOU। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड IBBI ने इस सरकारी संस्था के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। आंसर है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लैक होल और तथा बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताने वाले महान वैज्ञानिक जिनका हाल ही में निधन हुआ। आंसर है आपका प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह देश जिसने हाल ही में पाकिस्तान और चीन को चाबहार परियोजना में शामिल होने का आमंत्रण भेजा। आंसर है आपका ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिस देश ने ITB बर्लिन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक पुरस्कार जीता। आंसर है आपका भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रैंकिंग में दूसरा स्थान पाने वाली एशियन चैंपियन जो है उनका नाम है आपका नवजोत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ICC ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 मैचों में धीमी गति से ओवर फेंकने को लेकर श्रीलंकाई कप्तान दिनेश चोंडीमल को कितने मैचों के लिए बैन कर दिया। आंसर है आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जिस देश ने सटीक निशाना साधने वाली किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया जिसकी स्पीड ध्वनि की गति से 10 गुना अधिक है। आंसर है आपका रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत ने जिस अफ्रीकी देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 4 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आंसर है आपका मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस राज्य सरकार से लिखित आश्वासन मिलने के बाद नासिक से पैदल चलकर मुंबई पहुंचने करीब 35,000 प्रदर्शनकारी किसानों ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा की। आंसर है आपका महाराष्ट्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वह स्थान जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। आंसर है आपका मिर्जापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार और रक्षा उपकरण आयात करने वाला देश है। आंसर है आपका भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विमानन नियामक DGCA ने इंजनों में गड़बड़ी पाए जाने के कारण इन कंपनियों के 11A320 नियो विमानों की उड़ानों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया। आंसर है आपका इंडिगो और गोएयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह देश जिसके जासूस सरगेई स्क्रिपल की नर्व एजेंट से हत्या का मामला सामने आया। आंसर है आपका ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, स्पाइस जेट ने जिस देश के सफरॉन ग्रुप के साथ करीब 81,000 करोड़ रुपए का करार किया जो विमानन क्षेत्र में सबसे बड़े सौदों में से एक है। आंसर है आपका फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस देश की संसद ने 11 मार्च 2018 को एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राष्ट्रपति पद की सीमा समाप्त कर दी। आंसर है आपका चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा गठित महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का अध्यक्ष इन्हें बनाया गया। आंसर है आपका न्यायाधीश न्यायमूर्ति AM खानविलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। आंसर है आपका भास्कर चौबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। आंसर है आपका नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत के 55वें वर्ष के इतिहास में पहली बार इन दो महिलाओं कैडेट्स ने आर्मी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की पासिंग आउट परेड में शीर्ष सम्मान
हासिल किया? आंसर है आपका प्रीति चौधरी तथा ब्रति शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और फ्रांस के मध्य कितने समझौते की संख्या है? आंसर है आपका 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुबई की राजकुमारी का नाम जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता का हवाला देते हुए देश छोड़कर अमेरिका में शरण मांगी? आंसर है आपका शेख लतीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 12 मार्च 2018 को किस राज्य के दादर कला गांव में 75 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण किया? आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने मलेशिया में आयोजित सुल्तान अजलन शाह कप का खिताब जीता? आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया। और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 50 करोड़ रुपए या इससे ऊपर के बैंक ऋण के लिए जिस सरकारी दस्तावेज को अनिवार्य किया? आंसर है आपका पासपोर्ट। आंसर क्या है दोस्तों आपका? पासपोर्ट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, 50 से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए करेगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता रहता है और अच्छी वीडियो बनाने का। तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।